अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह आप लोगों की फरमाइश आई कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तरीका बताया जाए, जिससे आप लोग अपना जो टास्क है या अपना कोई भी काम अगर किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं वीडियो के ज़रिए, तो आप लोग वो किस तरह शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं देखेंगे बल्कि कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे कंप्यूटर के अंदर किस तरह से आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोग किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर के बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर आप लोग किस तरह से ईमेल कर सकते हैं। जो भी आप लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड की होगी, जो भी आप लोगों का टास्क होगा, वो आप लोग दूसरों के साथ किस तरह शेयर कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर पर आप लोग किस तरह से व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए किस तरह से अपनी जो अपना जो अटैचमेंट है, अपना जो वीडियोज़ है या जो भी चीज़ें हैं, आप लोग किस तरह से व्हाट्सएप के ज़रिए कंप्यूटर से, मोबाइल से नहीं कंप्यूटर से, किस तरह से आप लोग शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। तो अगर आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफ़ी सारे व्यूअर्स की ईमेल और व्हाट्सएप की भी क्वेरीज आ रही थी कि कंप्यूटर से हम किस तरह से ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि वो इस कंप्यूटर की फील्ड में न्यू है तो उन लोगों को नहीं पता। तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के लिए देख लेते हैं कि किस तरह से आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वैसे तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ दो सॉफ्टवेयर शेयर करूँगा और उनका तरीका बताऊँगा कि किस तरह वो डाउनलोड करने हैं, किस तरह इंस्टॉल करने हैं और किस तरह आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। जिसमें नंबर वन होगा OBS और नंबर टू होगा ShareX। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल OBS देख लेते हैं। OBS के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर चले जाएँगे और सर्च बॉक्स में आपने सर्च करना है OBS स्क्रीन रिकॉर्डर। गूगल पर जब सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ऊपर आप लोगों के पास यही वाला सॉफ्टवेयर आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर OBS। अब आप लोग यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक कर लूँगा, इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर डाउनलोड के ऑप्शन आ जाएंगे। डाउनलोड OBS स्टूडियो सिलेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग विंडोज़ पर क्लिक करेंगे, एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल पर सिलेक्ट कर लें, और लिनक्स यूज़ कर लें तो लिनक्स पर क्लिक कर लें। तो हम अभी विंडोज़ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे इंस्टॉलर आ जाएगा, डाउनलोड इंस्टॉलर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। उसके ऊपर इसका वर्जन भी बताएगा आप लोगों को, ये वर्जन 30.0.0 है, रिलीज कब हुआ है, 11 नवंबर को रिलीज हुआ है। आप लोग ये यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे तो आप लोगों का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देखें, जैसे ही मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया तो मेरा डाउनलोडर, मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और ये फाइल की साइज़ है 130 MB। तो वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड हो जाए, तो मिलते हैं आपसे डाउनलोड होने के बाद। वेलकम बैक जी, सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको। इसके सामने जो फोल्डर बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। यहाँ पर राइट क्लिक करके आप लोग यहाँ पर देखेंगे शो इन फोल्डर पे करेंगे तो भी आप लोगों का वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ होगा। यहाँ पर आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर से डाउनलोड्स के फोल्डर में चले जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप लोगों का डाउनलोड हुआ हुआ पड़ा होगा। अब आपको इसको करना है इंस्टॉल। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक कर लेते हैं हम इसको। उसके बाद ये परमिशन रिक्वायर करेगा तो उसको हम येस कर लेंगे और ये सेटअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाना है। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर कह रहा है कि OBS स्टूडियो इज़ ऑलरेडी रनिंग, प्लीज़ क्लोज इट फर्स्ट बिफोर इंस्टॉलिंग अ न्यू वर्जन। तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर दूंगा। आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाना है तो आप लोगों का OBS स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ, फिलहाल मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कैंसिल। अब जब सॉफ्टवेयर आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा तब आप लोगों को डेस्कटॉप के ऊपर आप लोगों को इसका शॉर्टकट नज़र आएगा, इसका आइकन नज़र आएगा इस तरह से। अगर डेस्कटॉप पे आइकन नहीं क्रिएट हुआ तो आप लोग यहाँ पर विंडोज़ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की सारी एप्लीकेशंस खुल जाएंगी। इसी लिस्ट के अंदर आप लोगों को OBS सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। यहाँ पर भी नहीं मिलता तो आप लोग यहाँ पर सर्च में लिख सकते हैं OBS, तो यहाँ पर आप लोगों का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है जिसके अंदर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस तरह से आप लोगों के पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर नीचे राइट साइड पे ये कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे मेरा स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है क्योंकि इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आप लोगों के यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग,
स्टार्ट रिकॉर्डिंग को करने से आप लोगों की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें करनी है। सोर्सेस के अंदर आ जाना है आप लोगों को। सोर्सेस के अंदर आप लोगों को दो तीन चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। अब जैसे यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले कैप्चर नज़र आ रहा है, ऑडियो इनपुट कैप्चर नज़र आ रहा है और ऑडियो आउटपुट कैप्चर नज़र आ रहा है, ये तीन चीज़ें मैंने ऐड करी हुई हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों का सोर्सेज का जो सेक्शन है वो अगर खाली है तो आप लोग यहाँ पर ये चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। ये चीज़ें कैसे ऐड होंगी, यहाँ पे प्लस का बटन नज़र आ रहा है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए आप लोगों को यहाँ से कोई भी नाम पूछेगा। आप लोग कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, और उसके बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले जो है वो, अच्छा ये डिस्प्ले होता क्या है, डिस्प्ले वही है जो आप लोगों को रिकॉर्ड करना है। तो आप लोग यहाँ से उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो बाय डिफॉल्ट वो सेटिंग हुई हुई है, आप लोग उसी को ओके कर लीजिएगा। ओके पर क्लिक कर लें तो आप लोगों का डिस्प्ले कैप्चर जो एक्स वाई जेड नाम के साथ हमने बनाया था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो मेरे पास ऑलरेडी डिस्प्ले कैप्चर के नाम से ऐड हुआ हुआ है। इसी तरह से आप लोग अगेन इस पर क्लिक कर लेंगे तो ऑडियो कैप्चर आप लोग जो है वो ऑडियो इनपुट या ऑडियो आउटपुट दोनों ऐड कर सकते हैं। ऑडियो इनपुट से क्या होता है, अगर आप लोगों का माइक लगा हुआ है या आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वैसे ही, आप लोग ये वाला ऑप्शन जो है वो ऐड कर लेंगे। जिस तरह मैंने ऐड करा हुआ है, मेरा ये वाला जो ऑप्शन ऐड किया हुआ है ये मेरा माइक के साथ कनेक्टेड है। अब ये किस तरह ऐड करना है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे आप। इसका भी आप लोगों से नाम पूछेगा, आप लोग कोई भी नाम देकर ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपसे सोर्स पूछेगा कि आप लोग किस चीज़ के थ्रू आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, माइक्रोफोन के ज़रिए, माइक के ज़रिए या किस चीज़ के ज़रिए आप लोग वो रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। उसमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें या फिर डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें इसको, डिफ़ॉल्ट पे रख के इसको ओके कर लेंगे। तो ये दो चीज़ें जो हैं, एक डिस्प्ले कैप्चर और एक ऑडियो इनपुट, ये दोनों चीज़ें आप लोग इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इनको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ आप लोगों के समझाने के लिए, ये चीज़ें मैंने ऐड की थी जबकि ऑलरेडी मेरे पास ये तीनों चीज़ें ऐड हुई हैं। तो इस तरह से डिस्प्ले जो है ये कंपलसरी है, डिस्प्ले आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, उसके बाद ये आप लोगों की मर्ज़ी है। ऑडियो आप लोग इनपुट करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। ये दोनों ऐड करने के बाद ही आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है। जैसे ही स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे आप लोगों की वीडियो जो स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग जो भी स्क्रीन पे जो भी चीज़ करेंगे, जो फोल्डर ओपन करेंगे या जो भी आप लोग अपना कोड एडिटर ओपन करेंगे या उसका रिजल्ट ओपन करेंगे तो वो आप लोगों का रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह अभी मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आप लोगों को ये वीडियो नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो आप लोग वापस यहाँ पर आ जाएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करने के बाद आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और वो आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने देखना है वो किस फोल्डर के अंदर है तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंप्यूटर में कहाँ आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ पर सेव हुई है। उसके लिए आप लोग यहाँ पर आउटपुट पर क्लिक कर लेंगे तो रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इसके अंदर रिकॉर्डिंग पाथ लिखा हुआ होगा। रिकॉर्डिंग पाथ के अंदर आप लोगों को बताएगा कि वो कहाँ पर सेव है आपकी वीडियो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइव सी यूज़र्स यूज़र टू वीडियोज़। अब मेरे कंप्यूटर में ये वीडियोज़ वाले फोल्डर के अंदर सेव हो जाती है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो यहाँ पर ये वीडियोज़ आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसके अंदर मेरी जो वीडियोज़ हैं OBS की, वो यहाँ पर इसका आउटपुट जो है वो सेव हो जाता है। जब भी मैं वीडियो कोई रिकॉर्ड करता हूँ तो वो यहाँ पर सेव हो जाता है। तो आप लोगों के पास भी मोस्ट प्रोबेबली इसी जगह ये वीडियो आप लोगों की सेव हो जाएगी। अगर आप लोग माय कंप्यूटर ओपन करते हैं तो इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखेगा, तो वीडियोस का जो फोल्डर होगा इसके अंदर आप लोगों की वीडियो सेव हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूर कर लेनी है आप लोगों को, जैसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में आप देखें, एक तो रिकॉर्डिंग पाथ हो गया, ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। दूसरा, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आप लोगों ने देख लेना है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आप लोग MP4 सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी मेरा यहाँ पे सिलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सॉफ्टवेयर यूज़ में है, तो इसलिए यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे इसको, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को MP4 सेलेक्ट कर लेना है आपने, और उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके कर लेना है। तो ये कुछ सेटिंग्स थी, इस तरह से आप लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। उसके बाद आप लोग ये सेंड किस तरह करेंगे, ईमेल में अटैच किस तरह करेंगे या व्हाट्सएप में किस तरह अटैच करेंगे, अगर ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता तो ये भी मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक और सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, ShareX। अगर आप लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा तो एक और सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग वो इंस्टॉल कर लें। उसमें भी आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की। तो उसके लिए हम अपने ब्राउज़र के ऊपर आ जाते हैं
और इसी तरह से सर्च बॉक्स में आप लोगों ने लिखना है शेयर एक्स स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये स्पॉन्सर्ड है, ये एडवर्टाइजमेंट है, इसके नीचे आ जाएं, ये देखें, ये शेयर एक्स यही वाली वेबसाइट है जो हमें डाउनलोड करना है, जहाँ से सॉफ्टवेयर। तो डाउनलोड्स पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, तो उस वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे आप लोग और सीधा आप लोग डाउनलोड्स वाली जगह पर लैंड कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंट वर्जन्स मिलेंगे और उनकी रिलीज़ डेट मिलेगी कि वो कब रिलीज़ हुआ है। तो आप लोग लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा होगा शेयर एक्स उसका वर्जन और उसके बाद सेटअप डॉट एक्जी। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है तो आप लोगों का सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो देखें, जैसे ही मैंने एरो पर क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने OBS का बताया था, वैसे ये भी डाउनलोड हो जाएगा। तो उस पर हम फिर क्लिक करके उसको फोल्डर में जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। तो देखें, सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो अब डाउनलोड्स फोल्डर में चलते हैं। डाउनलोड्स फोल्डर में शेयर एक्स का सेटअप पड़ा होगा, इस पर डबल क्लिक कर लेना है और इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। उसी तरह से परमिशन मांगेगा, येस कर देना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सेटअप हैज़ डिटेक्टेड दैट शेयर एक्स इज़ करंटली रनिंग। अब ये मुझे कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है शेयर एक्स, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, इस तरह से आप लोगों का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ कैंसिल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप लोगों के पास इस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से आप लोगों ने डेस्कटॉप पे जैसे OBS का आइकन बना हुआ था वैसे शेयर एक्स का आइकन आ जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं आता तो आप लोग विंडोज़ पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशंस के अंदर आप लोगों को शेयर एक्स की जो ऐप है, सॉफ्टवेयर है, वो यहाँ पर मिल जाएगी। देखें, ये रहा शेयर एक्स का फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये शेयर एक्स का जो है आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा। इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ऊपर ऊपर कैप्चर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। आप लोगों ने इसको क्लिक कर लेना है तो आप लोगों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास एक कर्सर आ गया, क्रॉस आ गया। इससे क्या होगा, इससे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग कितनी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस विंडो को। जो जितना आप लोग सिलेक्ट करेंगे उतना आप लोगों का स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड होगा। अगर आप लोग पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है वो इस विंडो को पूरे स्क्रीन पर जो है वो सिलेक्ट कर देंगे, इस तरह से पूरा स्क्रीन सिलेक्ट कर लेंगे। जितनी भी आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्ड करनी हो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड का बटन आप लोगों को यहाँ पर कैप्चर में मिलेगा, कैप्चर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर लेना है। इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है, शॉर्टकट तरीका आप लोगों को मिलेगा हॉट की सेटिंग। हॉट की सेटिंग नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट स्टॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके सामने उसकी शॉर्टकट कीज लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। अब शिफ्ट का तो आप लोगों को पता होगा, इसी तरह से प्रिंट स्क्रीन का भी एक बटन होता है। आप लोगों को ऊपर ऊपर राइट साइड पे PRTSC इस तरह से कुछ लिखा हुआ होगा या पूरा प्रिंट स्क्रीन लिखा होगा, तो आपको शिफ्ट को होल्ड करके और प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है। तो इसी तरह से आपके पास ये कर्सर आ जाएगा, आप लोगों ने स्क्रीन सिलेक्ट कर लेनी है, जितनी भी आप लोगों को रिकॉर्ड करनी है उतना सिलेक्ट करके आप लोग जो है वो रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर हॉट की सेटिंग में आके उसकी शॉर्टकट की यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए भी आप लोगों को यही कीज़ प्रेस करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप लोगों की स्क्रीन जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी और वो वीडियो जो है आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। अब स्क्रीन रिकॉर्ड होने के बाद अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं कि आप लोगों की वीडियो कहाँ सेव हुई है, तो आप लोग उसका फोल्डर देख सकते हैं कि वो कौन सा फोल्डर है। एप्लीकेशन सेटिंग्स में चले जाएंगे, यहाँ पर पाथ्स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं सब फोल्डर पर लिखा हुआ है सी यूज़र यूज़र टू डॉक्यूमेंट्स शेयर एक्स स्क्रीन शॉट्स, उसके बाद आगे लिखा हुआ है ये मंथ लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों के बेसिकली फोल्डर का नाम होगा 2023-11। इसको यहाँ से भी आप लोग ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं फोल्डर को। ये देखिए, ये फोल्डर ओपन हो चुका है जहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव होगी। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ये आप लोगों के दिस PC के अंदर डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर शेयर एक्स का फोल्डर होगा स्क्रीन शॉट। और ये अगर मैं आप लोगों को यहाँ से चेक करवाऊँ तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के अंदर चले जाना है, उसके बाद ये शेयर एक्स लिखा हुआ है, उसके बाद स्क्रीनशॉट्स में चले जाएं और आज का जो महीना होगा जो डेट होगी उसके हिसाब से आप लोग उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे तो आप लोगों को वो वाली वीडियो यहाँ पे नज़र आ जाएगी।
तो ये था शेयर एक्स पर स्क्रीन रिकॉर्ड करने का तरीका। अभी हम आ जाते हैं मोबाइल के ऊपर। मोबाइल में वैसे तो बिल्ट इन ऑप्शंस होते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के, हर मोबाइल के अपने फीचर्स होते हैं और अपनी लोकेशंस होती हैं कहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर मिलेगा, लेकिन नॉर्मली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर कहाँ पर होता है। मोबाइल की स्क्रीन के टॉप से जब हम पुल डाउन करते हैं ऑप्शंस देखने के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर, अब देखें पुल डाउन करने से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोगों को वाईफाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा, एयरप्लेन मोड, इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों को टॉप राइट पर तीन बटन्स, तीन आइकन्स नज़र आ रहे होंगे। एक तो एरो बना हुआ है, टॉपवर्ड्स एरो बना हुआ है, उसके साथ एक सेटिंग का बटन है, उसके साथ एक पेंसिल का बटन बना हुआ है, पेंसिल का आइकन बना हुआ है। इस आइकन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाएंगे। एक तो हमारे जो पहले हमें नज़र आ रहे थे पुल डाउन करने से, उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रैग टू एड टाइल्स, इनको आप लोग ड्रैग करके ऊपर वाले ऑप्शंस के साथ रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को नीचे स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको मैं यहाँ से कैसे ड्रैग करूँगा ऊपर, इस पर क्लिक करके रखूँगा, इसको होल्ड करूँगा और ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगा इस तरह से। तो देखें अब ये ऊपर वाले ऑप्शंस के साथ आ जाता है। अब अगर मैं बैक कर लूँ यहाँ पर, तो अब देखें पुल डाउन की स्क्रीन पर यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन भी आ चुका है। मैं वापस आ जाता हूँ, वापस दोबारा पुल डाउन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखें यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो काफ़ी मोबाइल्स में यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर विजिट्स में भी काफ़ी मोबाइल्स में मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने विजिट्स का सेक्शन आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, विजिट्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप लोग यहाँ से भी ड्रैग डाउन कर सकते हैं, तो आप लोगों के अपने मोबाइल के हिसाब से होगा। अगर आप लोग के पास बिल्ट इन नहीं ओपन हो रहा, तो दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जिस तरह बाकी की एप्स आप डाउनलोड करते हैं, उसी तरह आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च में लिखना है स्क्रीन रिकॉर्डर, तो नीचे यहाँ पर आप लोगों के पास स्क्रीन रिकॉर्डर आ जाएगा, एक्स रिकॉर्डर, जिसके साथ एक्स रिकॉर्डर लिखा हुआ है। इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। अब आप लोग कोई भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं इसी तरह से। मैं यहाँ पर जस्ट एक आप लोगों को अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। आप लोग मज़ीद दो तीन ऐप्स ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को जो ऐप अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, आप वो ऐप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर, एक्स रिकॉर्डर को इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुकी है, इसके आइकन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल हम इसको नॉट दिस टाइम कर लेंगे। अब उसके बाद ये हमसे पूछेगा अलाउ एक्स रिकॉर्डर टू एक्सेस फोटोज़ मीडिया वगैरह, तो इसको हम अलाउ कर देंगे। ये इसलिए पूछता है ताकि हम जो भी चीज़ रिकॉर्ड करें तो वो हमारी गैलरी में सेव हो जाए। तो उसके लिए ये गैलरी की एक्सेस अक्वायर करता है हमसे, तो वो उसको हमने अलाउ कर देना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सामने आप लोगों ने रिकॉर्ड का बटन शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे एक्सेस अक्वायर करेगा माइक्रोफोन की टू रिकॉर्ड ऑडियो। अगर आप लोग ऑडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप लोग माइक्रोफोन की एक्सेस दे सकते हैं, यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा अलाउ, यहाँ पर हमें कर लेना है ओके, यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगेन ओके कर लेंगे, उसके बाद अगेन ओके कर लेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑलरेडी जो मेरा माइक्रोफोन है वो यूज़ में है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्ट इन जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उससे ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसको मैं फिलहाल कंटिन्यू कर दूँगा यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि एक्स रिकॉर्डर विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरी थिंग दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। इसको यहाँ पर हम स्टार्ट नाउ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। सेकेंड्स हमारे टाइम जो है वो चलना स्टार्ट हो चुका है। तो जब आप पुल डाउन करेंगे तो ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से भी आप लोग वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग वापस ऐप में जाकर भी वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं यहीं से स्टॉप कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर देखें ये वीडियो जो है हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। यहाँ पर ऐड आ गया, ऐड को मैं क्लोज़ कर दूंगा और गैलरी के अंदर कहीं पर फोल्डर होगा एक्स रिकॉर्डर के नाम से, वो हम ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। ये देखें ये सामने एक्स रिकॉर्डर के नाम का एक फोल्डर आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखें इस तरह से आप लोग मोबाइल के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आपको पसंद हो तो वो एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। तो अब हम देखते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आप लोग किस तरह से अपने कंप्यूटर से व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, उस वीडियो को व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए दूसरों को सेंड कर सकते हैं अपना रिजल्ट या अपनी कोडिंग दिखाने के लिए।
तो अभी मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं कंप्यूटर के साथ, अभी अभी उनका ताल्लुक बना है, कंप्यूटर पहले उन्होंने यूज़ ही नहीं किया और उन लोगों को ईमेल वगैरह का पता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को ईमेल करने का तरीका बता देता हूँ। ईमेल आपका बना हुआ होगा, आप लोगों ने यहाँ पर जीमेल ओपन करना है। कैसे ओपन करते हैं, आप लोग यहाँ पर लिखें mail.google.com, इंटर कर लें, आप लोगों का जीमेल जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लें। यहाँ पर आप लोगों को अपना लिखना है ईमेल एड्रेस, जो भी आप लोगों का ईमेल एड्रेस हो, xyz123@gmail.com ईमेल लिख के नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। अच्छा, उसके बाद आप लोगों से कुछ सेटिंग्स वगैरह कहेगा तो उसको मैं नॉट नाउ कर देता हूँ कि अभी नहीं करना भाई मुझे ये। उसके बाद यहाँ पे हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ से हम ईमेल कर सकते हैं। अब ईमेल करने के लिए हम कंपोज पे क्लिक कर लेंगे। अब जिसको आप लोगों को सेंड करना है यहाँ पर आप लोग उसका ईमेल एड्रेस लिख लेंगे। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है डिस्कवर इन्फो नेट, मैं यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस लिख लूँगा। ईमेल एड्रेस सही से लिखना है, अदरवाइज़ आप लोगों का ईमेल सेंड नहीं होगा। सब्जेक्ट में आप लोग कुछ भी टैक्स लिख सकते हैं, xyz जो भी आपका दिल करे वो लिख लें। यहाँ पर आप लोग कोई कंटेंट लिख सकते हैं, हेलो या एनीथिंग यू वांट टू राइट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को फाइल अटैच करनी है, वीडियो अटैच करनी है, वीडियो किस तरह सेंड करते हैं या वीडियो के अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे अटैच करनी है, डॉक्यूमेंट, PDF या पिक्चर, तो कोई भी चीज़ अटैच करने के लिए यहाँ पर ये जो लिंक बना हुआ नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने से आप लोगों का कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर के अंदर जहाँ भी आप लोगों का वीडियो पड़ा हुआ हो, जैसे अगर वीडियोस में आप लोगों का वीडियो पड़ा हुआ हो तो वीडियोस के फोल्डर में चले जाना है। उसके बाद आप लोगों ने जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करना है उस पर क्लिक कर लेना है। वीडियो जो है वो 24 MB से कम होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं होगा। देख लेते हैं, ये देखें मैंने इसको जब क्लिक किया है तो ये वीडियो जो है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। वीडियो आप लोगों की 24 MB से कम होनी चाहिए, कोई और वीडियो सिलेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला वीडियो मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा और फिर ओपन पर क्लिक करूँगा तो ये वीडियो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर इसको डबल क्लिक करेंगे तो भी ये ईमेल पे जो है वो अपलोड हो जाएगा और मेरा ईमेल इस तरह से कंपोज हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका सारा प्रोसेस मुकम्मल होता है। उसके बाद जैसे आप लोगों को सेंड पे क्लिक कर लेना है, सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक अलर्ट भी मिल जाएगा कि आप लोगों का मैसेज जो है वो सेंड हो चुका है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज सेंड, इसका मतलब है आप लोगों का मैसेज जो है वो सेंड हो चुका है। ईमेल के बाद आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आप लोगों ने कभी व्हाट्सएप नहीं खोला अपने ब्राउज़र के ऊपर या कंप्यूटर में तो आप लोग यहाँ पर जब लिखेंगे web.whatsapp.com, इस तरह से आप लोगों ने लिखना है web.whatsapp.com। ये एक वेबसाइट है जिससे आप लोगों का व्हाट्सएप जो है वो ओपन होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पे आप लोगों को एक QR कोड नज़र आ रहा होगा, इस तरह से एक QR कोड दिखेगा। अब इस QR कोड को करना क्या है, आप लोगों ने मोबाइल के ऊपर चले जाना है। मोबाइल में जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो ऊपर ऊपर राइट साइड पे, टॉप पे, राइट कॉर्नर पे आप लोगों को 3 डॉट्स नज़र आ रही होंगी, ऑप्शंस नज़र आएंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एक फ्लैग ओपन होगा जिसमें न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लिंक डिवाइसेज, स्टार्ट मैसेजेस और सेटिंग्स, ये चार पाँच चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने लिंक डिवाइसेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। लिंक डिवाइसेस के ऊपर जैसे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर लिंक का डिवाइस का बड़ा ग्रीन सा बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का कैमरा ओपन हो जाएगा। इस कैमरा को आप लोगों ने इस QR कोड के ऊपर रखना है, इस QR कोड को इसके अंदर कैप्चर करना है। जैसे ही आप लोग इसके अंदर कैप्चर करेंगे तो आप लोग देखेंगे ये स्क्रीन जो है आप लोगों की लोड होना शुरू हो जाएगी, व्हाट्सएप की वेबसाइट की। इसी तरह से मोबाइल में भी इसी तरह से लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद आप लोगों को मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों का व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो देखें जी, कंप्यूटर पे आप लोगों का व्हाट्सएप जो है वो ओपन हो चुका है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों को सारे नंबर्स नज़र आ रहे होंगे और सर्च का बॉक्स भी नज़र आ रहा होगा। सर्च में आप लोग कोई भी नाम सर्च कर सकते हैं जिसको आप लोग ये व्हाट्सएप भेजना चाह रहे हैं, वीडियो भेजना चाह रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये एक नंबर है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ तो इसका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, चैट ओपन हो जाएगी इसकी। तो इसको अगर मैं वीडियो भेजना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर प्लस बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ें अटैच कर सकते हैं। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का कंप्यूटर जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से कंप्यूटर के अंदर फोल्डर, आप लोग फोल्डर में जा सकते हैं, जिस फोल्डर में वीडियो पड़ी हो वहाँ से आप लोग वीडियो इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे जिस तरह आप लोग जीमेल के अंदर ईमेल के लिए सिलेक्ट कर रहे थे। तो मिसाल के तौर पर मैं ये एक वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर वीडियो जो है वो इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद जैसे आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर लेना है तो वीडियो जो है वो सेंड हो जाएगी।
तो ये था कंप्लीट मेथड स्क्रीन रिकॉर्ड करने का और फिर उसको सेंड करने का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो फिर मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह ने के बाद।